मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले की इछावत तहसील के ग्राम खैरी पंचायत के ग्रामीण बुजुर्ग महिलाएं इन दिनों सुबह से शाम तक बूंद बूंद पानी के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। नल जल योजना में निर्माण कार्य के चलते कई घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते गांव की बुजुर्ग महिलाओं, युवाओं और बच्चों को 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। वहीं ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए हैंडपंप पर सुबह से नंबर लगाना पड़ता है। पानी नहीं है सर, ये बर्मा तो 5 दिन से टूटा पड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले फोन लगाया 185 पे, तब जाके सुधारा था इसको। तो बहुत बेला पड़ रही है हमको, तो वहाँ से लाना पड़ता है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, कम से कम 2 किलोमीटर दूर से। और यहाँ की जनपद पंचायत का क्या हाल है, पानी सप्लाई करता है? कुछ नहीं करता, 20 दिन से पानी नहीं आ रहा है हमारे इधर। नल लगा के चले गए, बंद पड़े 20 दिन से, नल बंद पड़े। इसकी शिकायत और कहीं अभी की थी आपने पंचायत? तो हमने कहीं नहीं करी, बस पंचायत में करी थी। कहाँ से लाते हो पानी जब ये हेडपम्प बेकार हो जाता? ये बर्मा हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लाते भर के पानी। ये हेडपम्प भी पानी कम दे रही है? अच्छा, बहुत सारे तो बर्तन रखे, ये भरा पाते के लिए दानों के ही भर रही हो आप पानी? जब भी नहीं आ रही है पानी, इसी तरह से पूरे गांव में परेशानी है पानी की। इसमें भी नहीं आता पानी। इछावर से EMS TV के लिए सलील खान की रिपोर्ट। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।